सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का होली स्पेशल फोटो एडिटिंग कर सकते हो जो कि स्प्लैश इफेक्ट में होगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फोटो कुछ इस तरह का एडिट करना है तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लेना है और इस फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी इरेज कर लिया है। आपको भी फोटो को कटआउट करके पिक्सार्ट में ऐड करना है और फोटो को कैसे कटआउट करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है जिसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला स्टेप, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। और जो भी बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ करूँगा सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देखने का डाउनलोड कर लेना। और इसे ऐड करने के बाद आपको इस तरह से जूम करना है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना और ब्लेंडिंग मोड को आपके यहाँ रख लेना है मल्टीप्लाई। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे क्लोथ्स के ऊपर अप्लाई हो गया कलर। नेक्स्ट हम ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे जाके ओपेसिटी को कम कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको ओपेसिटी को रख लेता हूँ 70%, ये हो गया। नेक्स्ट हम फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक और पीएनजी को। इसे ऐड करने का इसे भी सेम पहले की तरह ब्लेंड पे जाना, ब्लेंड को कर देना मल्टीप्लाई और अपने क्लोथ्स के ऊपर अप्लाई कर लेना। फिर ओपेसिटी पे जाके इसके भी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ, 50% से रहेगा और यहाँ से डन। तो क्लोथ्स में कलर अप्लाई करने का काम कंप्लीट हो गया। अभी हम फेस पे अप्लाई करेंगे, तो ऐड फोटो पे जाके एक और कलर पीएनजी को ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटो को जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें सेम पहले की तरह ब्लेंड पे जाना है, ब्लेंड को कर देना है मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो पिंक कलर है इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ इस वाले पार्ट पे, ये हो गया। नेक्स्ट हम इसके एक और डुप्लीकेट लेयर को ले लेंगे, इसके लिए हम ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसी का देख सकते हो एक और लेयर आ गया। तो इसमें हम यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम इस तरह एडजस्ट करेंगे। फिर ऐसे एडजस्ट करने के बाद एरेज वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे और जो पिंक वाला पार्ट है उसे इरेज कर लेंगे। आपको ये कर लेना है और यहाँ से डन। फिर हम इन दोनों के ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि कलर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इसके ओपेसिटी को रख लेता हूँ 66 और इसको 74 रख लेता हूँ। फिर यहाँ से डन। इसे आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है, दूसरा पीएनजी भी ऐड कर लेना और आपके मर्जी से आप अपने जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हो फेस पे उस वाले पार्ट पे अप्लाई कर लेना। तो मैं आप इसे फटाफट से कर लेता हूँ, इसके बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम ऐड फोटो पे जाके इस वाले पीएनजी को ऐड करेंगे और यहाँ पे अपने सनग्लासेस के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। अगर आपने सनग्लासेस नहीं पहना होगा फोटो में तो ये वाला पार्ट स्किप कर देना। नेक्स्ट हम ब्लेंड पे जाके इसे कर देंगे स्क्रीन, ओपेसिटी को कम कर लेंगे, फिर इरेज वाला ऑप्शन पे जाके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे। तो मैंने कर लिया, यहाँ से डन। फिर इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो कलर सप्लाई करने वाला काम हमारा यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया। इसके दिन दोनों आइकन में से कौन सा भी क्लिक करके अपनी फोटो गैलरी में सेव कर लेना और इसे बैक करके आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में एक और न्यू बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस वाले व्हाइट बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, आपको भी कर लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और यहाँ से सबसे पहले हम इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने का जस्ट आपको इस तरह से जूम करना है और थोड़ा सा नीचे के साइड एडजस्ट कर लेता हूँ मैं क्योंकि ऊपर यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है, इसके लिए इतना सही है, यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे और इस बार ऐड कर लेंगे इस वाले कलर बैकग्राउंड को। इसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन पे जाना है और ब्लेंडिंग मोड को आपके यहाँ रख लेना है स्क्रीन पे। फिर जूम करके आपको इस वाले पार्ट को कवर कर लेना है कलर से। ध्यान रखना कि एक भी यहाँ पे जो ब्लैक वाला पार्ट है वो यहाँ पे मिस ना हो जाए वरना फोटो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे परफेक्टली अप्लाई कर लिया है, यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ डन। तो ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाके इस बार हमें यहाँ पे ऐड करना है अपने फोटो को जो हमने थोड़ी देर पहले एडिट किया था। इसे ऐड करने के बाद इस तरह से आपको जूम करके एडजस्ट करना है जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हो। फिर नेक्स्ट आपको ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट वाला लेयर है इसे हम यहाँ पर रखते हैं साइड में और जो पहले वाला लेयर है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाके इसे कर देंगे स्क्रीन, ये हो जाने के देख सकते हो ये इसके साथ मिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाला लेयर है इसे हम लेके आएंगे और इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल आपको परफेक्टली एडजस्ट करना है पिछले वाले बैकग्राउंड से मैच करता हो। ये हो जाने के बाद इरेज वाला ऑप्शन में जाना, इरेजर के हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देना, साइज़ 50% और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है उसे आपको यहाँ पे साइड साइड से इरेज कर देना है। तो इसे मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से इसमें कर लेता हूँ डन और यहाँ से भी डन। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे और अपने टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेंगे। इसे हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कॉर्नर में फोटो के राइट साइड और इस तरह से जूम कर देंगे। नेक्स्ट यहीं से हम फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे और ऐड कर लेंगे इस वाले पीएनजी को, टेक्स्ट पीएनजी को, और इसे जूम करके एडजस्ट करना है इस वाले पार्ट पर और यहाँ से इसे कर लेना डन। तो हमारा होली स्पेशल फोटो यहाँ पे फाइनली रेडी होकर आ चुका है। इसके बाद आपको ये आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना है। सो आई गेस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखना है एडिटिंग के रिलेटेड तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।